अब इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि इफ टू इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। तो ये इसका न्यूमरेटर है एक्स, इसमें हम टू ऐड करते हैं, अपॉन वाई प्लस टू, सो द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। ठीक है, ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई, जो आपको दो इक्वेशंस फ्रेम करनी है उसमें से ये पहली इक्वेशन है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला है थ्री इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, मीन्स एक्स प्लस थ्री अपॉन वाई प्लस थ्री, देन ये फ्रैक्शन हो जाती है 5/6। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो आपने लीनियर इक्वेशंस तो फ्रेम कर ली, लेकिन अभी ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, तो हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप पहले पहली इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या हो गई आपकी, एक्स प्लस टू अपॉन वाई प्लस टू इज इक्वल टू 9/11। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 का मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस टू में और वाई प्लस टू का मल्टीप्लाई होगा 9 में, मतलब इसका इधर मल्टीप्लाई होगा और इसका इधर मल्टीप्लाई होगा। तो एक्स प्लस टू इंटू 11 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस टू। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9y प्लस 18, तो ये हो जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 22, राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 22 प्लस 18, सो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। ये आपकी हो गई इक्वेशन थ्री, जो कि इक्वेशन वन का ही सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब इक्वेशन टू लेंगे आप। इक्वेशन टू आपकी क्या है, एक्स प्लस थ्री अपॉन वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू 5/6। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेम वे में सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाएंगे, तो 6 इंटू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस थ्री, सिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 5 इंटू थ्री 15, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 18, राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 18 प्लस 15, तो वहीं का वहीं है, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। ये आई इक्वेशन फोर, विच इज सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ इक्वेशन टू। लेकिन आपको अब इक्वेशन थ्री और इक्वेशन फोर जो है इनको सॉल्व करना है, इन दोनों को, इक्वेशन थ्री और इक्वेशन फोर को, बट सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लें और उसको थर्ड नंबर में रखेंगे, जैसे हम फोर्थ से निकालेंगे तो थर्ड में रखेंगे, तो 6x इज इक्वल टू 5y राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस 5y माइनस 3, सो x इज इक्वल टू 5y माइनस 3 अपॉन 6। ये x की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3। नाउ व्हाट इज योर इक्वेशन नंबर 3, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4, सो 11 इंटू एक्स की जगह लिखेंगे 5y माइनस 3 अपॉन 6 माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के लिए पहले LCM लेंगे, LCM आ जाएगा आपका 6, तो यह जाएगा 11 इंटू 5y माइनस 3 माइनस 9 6 हो जाएगा 54y इज इक्वल टू माइनस 4, और ये अब 6 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 6 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम 4 में कर देंगे और यहाँ पर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 11 का तो हो जाएगा 55y माइनस 33 माइनस 54y इज इक्वल टू 6 का मल्टीप्लाई होकर 6 इंटू 4 माइनस 24 हो जाएगा, या 55y माइनस 54y इज इक्वल टू सिर्फ y बचेगा,
33 राइट हैंड साइड में जाएगा, माइनस 33 का प्लस 33 हो जाएगा, माइनस 24, 33 माइनस 24 करने पर आपको मिलेगा 9, तो आपका वाई आया 9, है ना। अब हम वाई की वैल्यू पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल, अब आपको पता है आपने पहले ही निकाला हुआ है एक्स इज इक्वल टू 5y माइनस 3 अपॉन 6, तो आप ये 5y माइनस 3 अपॉन 6 इसमें y की जगह 9 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 9 माइनस 3 अपॉन 6, सो 45 माइनस 3 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 42 अपॉन 6, जो की वैल्यू हो जाएगी 7, तो x की वैल्यू कितनी आई 7, तो आपका फ्रैक्शन क्या हो गया, सो फ्रैक्शन इज x अपॉन y, सो आपकी x की वैल्यू कितनी आई 7 और y की वैल्यू कितनी आई है 9, तो आपकी फ्रैक्शन है 7 अपॉन 9, है ना। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब इसकी चेकिंग के लिए क्या है, दोनों में टू न्यूमरेटर में 2 ऐड किया, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड किया, तो क्या हो गया 7 प्लस 2 मतलब 9, 9 प्लस 2 मतलब 11, देखो 9 अपॉन 11 आ गया, आपके फर्स्ट स्टेटमेंट से मैच हो रहा है। सेकंड में बोल रहा है न्यूमरेटर 7 है, 7 में आप 3 ऐड करें, डिनोमिनेटर 9 है, 9 में आप 3 ऐड करें, तो 7 प्लस 3 हो जाएगा 10, 9 प्लस 3 हो जाएगा 12 विच इज इक्वल टू 5/6, आप 2 से काटेंगे तो ये स्टेटमेंट भी सही है आपका, मतलब आपका आंसर जो आ रहा है दिस इज योर आंसर दैट फ्रैक्शन इज 7/9। ओके, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। 5 इयर्स हेंस, हेंस मतलब 5 साल के बाद, द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, जेकब की जो एज होगी वो उसके सन की एज के 3 गुना होगी। 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद, द एज ऑफ जेकब विल बी द 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, जेकब की एज उसके सन की एज के 3 टाइम्स होगी, 3 गुना होगी। और सेकंड स्टेटमेंट दिया है 5 ईयर्स एगो, मतलब 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले जेकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, जेकब की एज उसके बेटे की एज के 7 टाइम्स थी। ये आपका जो स्टेटमेंट है 5 ईयर्स अगो वाला, ये आपका पास्ट का स्टेटमेंट है, और पहला वाला स्टेटमेंट फ्यूचर का स्टेटमेंट है 5 साल बाद वाला। उसके बाद इन्होंने बोला है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, अब इसमें हमको जो पूछा है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस वही हमको लेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लेट क्या करेंगे, लेट द जेकब्स प्रेजेंट एज इज एक्स, जो आज एज है वो एक्स है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज वाई, ठीक है, ये हम लेट करेंगे। तो अब जेकब की प्रेजेंट एज एक्स है और उसके सन की प्रेजेंट एज वाई है, सो 5 ईयर्स एगो क्या हो जाएगा, 5 ईयर्स आफ्टर, पहला वाला स्टेटमेंट है बाद वाला तो हम आफ्टर का ही लेंगे, 5 ईयर्स आफ्टर बोल रहा है जेकब की एज क्या हो जाएगी 5 साल बाद, आज एक्स है तो जेकब्स एज विल बी कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 5, जैसे मान लो आज 30 साल का है तो 30 में 5 ऐड हो जाएंगे 35 का हो जाएगा, बट हमको पता नहीं है कितने साल का, इसलिए हमने एक्स ले लिया है, जो भी एज होगी आज उसमें 5 ऐड हो जाएंगे, ठीक है। एंड हिज सन विल बी हाफ एज वाई प्लस 5, है ना, तो ये 5 साल बाद जेकब और उसके सन की एज हो जाएंगी, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि 5 साल बाद जेकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, तो जेकब डेफिनेटली बड़ा रहेगा अपने बेटे से,
तो उसके बेटे की एज में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये उसके बेटे की एज है, उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब वो होगी जेकब की एज के इक्वल। ये जेकब की एज है, ये उसके बेटे की एज है। अकॉर्डिंग टू द सम जो भी आपको स्टोरी दी है उसमें बोला है कि जेकब की एज उसके बेटे के एज के 3 टाइम्स हो जाएगी। तो उसके बेटे की एज में 3 का मल्टीप्लाई करने पर जेकब की एज आएगी। तो ये आपकी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हो गई। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई कर दो 3y+15। सो एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 15-5। सो एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब एक पहले वाले स्टेटमेंट से हमने एक इक्वेशन बना ली। उसके बाद में उन्होंने दिया है 5 ईयर्स अगो। एगो मतलब पहले, आज से पहले। तो आज तो एज उसकी एक्स है, प्रेजेंट एज एक्स है, तो 5 साल पहले एज कितनी होगी? एक्स माइनस 5। मान लो आज 30 साल का है तो 5 साल पहले कितने का होगा? 25 साल का, 30-5। तो आपको पता नहीं है कितनी एज है, तो 5 ईयर्स अगो जेकब्स एज कितनी हो जाएगी? हो जाएगी नहीं, थी। जेकब्स एज वॉज एक्स माइनस 5 एंड ही सन्स एज वॉज वाई माइनस 5। अब फिर से सम पढ़ेंगे, उसका सेकंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे। जेकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो जेकब की एज लिखते हैं एक्स माइनस 5, उसके सन की एज लिखते हैं वाई माइनस 5। ये दोनों इक्वल तब होंगी जब हम उसके सन की एज में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। जेकब्स एज विल बी 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन्स एज। ठीक है, तो ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 7y-7 5 = 35। सो एक्स माइनस 7y इज इक्वल टू -35 + 5 विच इज इक्वल टू एक्स माइनस 7y इज इक्वल टू -30। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आपने ये दो इक्वेशंस फ्रेम कर ली, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो आपका एक पार्ट तो हो गया। अब इसके बाद अब इसको अपनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप सेकंड इक्वेशन से एक्स इज इक्वल टू निकाल लें। एक्स इज इक्वल टू 7y राइट हैंड साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, -30। अब ये जो एक्स की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सो पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। अब आपकी इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 क्या है? एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 10। इसमें एक्स की जगह लिखेंगे 7y-30। एक्स की जगह लिखा 7y-30 -3y इज इक्वल टू 10। 7-3y इज इक्वल टू 4y। ये -30 राइट हैंड साइड में जाके +30 हो जाएगा और 10+30 मिलके हो जाएगा 40। सो वाई इज इक्वल टू 40/4 विच इज इक्वल टू 10 ईयर्स। ये जेकब के सन की एज आई 10 ईयर्स। अब हम इसी को यहाँ पर पुट कर देते हैं। वी नो दैट एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू कितना आया? 10। सो वाई की जगह आप 10 पुट करें। सो एक्स माइनस 3 × 10 इज इक्वल टू 10। सो एक्स माइनस विच इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस 3 × 10 है ना, 3 × 10 मतलब 30 इज इक्वल टू 10 विच इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 30 राइट हैंड साइड में चला जाएगा, 30+10 मतलब 40 ईयर्स। तो जेकब की एज कितनी आई? 40 ईयर्स। और जेकब के सन की एज कितनी आई? 10 ईयर्स। जेकब की प्रेजेंट एज 40 ईयर्स है,
और जेकब के सन की एज, तो जेकब के सन की एज कितनी आई है 10 इयर्स, सो हम इसको वर्ड्स में लिख देंगे, जेकब्स प्रेजेंट एज इज 40 इयर्स एंड हिज सन्स प्रेजेंट एज इज 10 इयर्स। अब अपन देखते हैं कि 5 इयर्स इसको चेक करते हैं, ठीक है। चेक करने के लिए 5 इयर्स एगो लेते हैं, 5 इयर्स एगो, जेकब की एज 40 साल का आया है, तो 5 साल पहले कितने साल का होगा 35 का, उसका बेटा 10 साल का है तो 5 साल पहले कितने साल का होगा, वो 5 साल पहले होगा 5 इयर्स का, ठीक है। अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें तो दोनों इक्वल हो जाएगा 7 का, है ना। तो देखो ये आ रहा है कि 5 साल पहले जेकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, है ना, और 5 इयर्स आफ्टर क्या हो जाएगा, आफ्टर 5 इयर्स आफ्टर जेकब की एज कितनी हो जाएगी, 40 का था तो वो 45 का हो जाएगा, उसका बेटा कितने का हो जाएगा 15 इयर्स का, क्योंकि आज 10 साल का है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब जेकब्स एज इज 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, है ना। तो दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हो रहे हैं, मतलब आपका आंसर सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन किया हुआ समझ में आ रहा हो, आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है, आप सभी इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और आपको जो भी चैप्टर पहले पढ़ना हो तो आप उसका मैसेज करें, मैं उसके वीडियो प्रायोरिटी पर बनाऊँगी।